नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के इंडस्ट्रियल एरिया में। और यहां पर आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सभा होनी है, उनका इंतजार यहां पर जो है वो तमाम जनता जो है वो कर रही है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार दिखाए कि यहां पे जो लोग जुटे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में जनता का मूड फिलहाल क्या है। कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक बाबा हमारे साथ हैं, यहाँ आप आए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी का। तो चुनाव लड़ने हैं वो इस बार, इससे पहले आए हैं वो यहाँ पर, आपसे मिले हैं? अभी नहीं मिले, अभी पहली चक्कर आ रहे हैं। पहला चक्कर आ रहे हैं, जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की सभा होने वाली है यहाँ पर, संजय शुक्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? अब ये तो परमात्मा जो रचे होगा वही होना है और जहाँ तक है हमारे कमल का फूल ही जीतेगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कई महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। यहाँ पर आप आई हैं, कैलाश विजयवर्गीय की सभा होने वाली, उनका इंतजार कर रहे हैं। समर्थन में हम लोग पिछले कितने ही सालों से, जब से जन्म लिया है आज तक, उन्हीं के समर्थन में खड़े हैं और जितनी भी मतलब भाजपा जनता पार्टी में जो भी हो उन्हीं को वोट देते आए और आगे भी उन्हीं के लिए समर्थन होगा। हम चाहेंगे कि वही जीते और हमारे अंदर गलियों में वो एक बार जरूर घूमें और एक बार जरूर देखें कि कैसा रास्ता है, कैसी जगह है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो वो सब चीज़ों की सुविधा हम चाहेंगे उनसे, बस इतनी प्रार्थना है। अब इस विधानसभा से संजय शुक्ला विधायक हैं, काम को लेकर क्या कहेंगी? पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब हम इनको जिताएंगे तो ये सब कराएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी लाभ कई महिलाएं यहाँ पर उठा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। लाडली बहना योजना में हो आप? जी हाँ, है ना, उसका लाभ मिलता है? मिलता है। क्या कहेंगी योजना को लेकर सरकार की, और कौन सी योजनाएं आपको कैसी लगती है? सब अच्छी लगती है, योजना है तो सब बढ़िया है। लाडली बहना योजना से क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है और क्या, परेशानी है कुछ तो अपने है तो आशा के हमारे पैसे आ रहा है तो उसमें से अपन निकाल के अपना खर्चा ला सकते हैं और क्या। तो देखिए लाडली बहना योजना को लेकर भी यहाँ पे तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ लगता है यहाँ पर क्या हुआ और ये विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है क्या होगा? मैं तो मैम बाहर से हूँ, टीकमगढ़ से हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। ठीक है ठीक है, ये यहाँ पर काम करते हैं, वोट नहीं देते हैं लेकिन रहे तो यहाँ पर रहे हैं, तो एक महीने हो गया, एक महीने पहले आए हैं। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। बहुत से बुजुर्ग बाबा लोग हमारे साथ जो है जुड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। बाबा यहाँ वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, क्या बोलोगे चुनाव को लेकर? हम तो विकास चाहते हैं चुनाव में, हमको सब जनता सब विकास चाहती है और जनता का कहना है कि हमको विकास होना, चौमुखी विकास चाहिए। क्या क्या परेशानियाँ हैं? डैमेज है, रोड है, लाइट पानी सब, सबकी व्यवस्था होना। इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज है, क्या लगता है किन चीज़ों की कमी लगती है? कमी तो वैसे हर चीज की है वैसे। हाँ, किन चीज़ों के नाम बताएंगे? मैं तो इंडस्ट्रीज में हूँ नहीं मैं। ठीक है चलिए, और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे भाई साहब से बात करेंगे। क्या है यहाँ पे चुनाव का माहौल, क्या दिख रहा है, मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे हमारे क्षेत्र क्रमांक 1 से न्यू रामनगर आता है, उसमें रोड पानी सारी समस्याएं ही, अभी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें जनों के लिए सुविधाएँ चाहिए, इसलिए हम लोग, हाँ सुविधाएं चाहिए, रोड पानी। तो पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अभी देख लीजिए आप, रोडें जाके पूरी कच्ची रोडें पड़ी हुई हैं, कोई विकास नहीं है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे गर्मियों में पानी बहुत दिक्कत होती है, पानी लोगों के लिए पानी की। आप कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पे चुनाव में खड़े हैं, क्या लग रहा है, मूड क्या लग रहा है पूरा जनता का और किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव?
कैलाश विजयवर्गीय विकास का नाम है। 100% 1,00,000 वोटों से जीतने वाले हैं कैलाश जी। इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले हैं। कांग्रेस धोखे का नाम, पक्के इरादे का नाम, कैलाश विजयवर्गीय विकास और विकास की बात कैलाश जी के साथ। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी जो हैं वो है यहाँ पे। बेटा यहाँ पर क्यों आए हो? क्या क्यों आए हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कैलाश वर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय का इंतजार? हाँ। क्यों इंतजार कर रहे हो? नहीं मालूम है। चलो कोई नहीं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को बता दें कि इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 का मुकाबला काफी दिलचस्प, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से संजय शुक्ला जहाँ एक तरफ चुनावी मैदान में है, तो वही कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का कहना यही कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, विकास की दरकार है। और उसी के इंतजार में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।